गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि आप कितनी बेसब्री से यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की डेट का इंतजार कर रहे हैं। दो बार हुए पोस्टपोनमेंट की वजह से कई स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी भी महसूस हो रही है। अब प्यार ना हुआ, तुम्हारा यूपीएससी का एग्जाम हो गया है, 10 साल से क्लियर ही नहीं हो रहा है। अब यूपीएससी ने डिक्लेयर किया है कि वो 5 जून को एक नए कैलेंडर के साथ आएंगे और तब हमें पता चलेगा कि प्रीलिम्स 2020 की डेट क्या होगी। पर अगर हम एक रियलिस्टिक असेसमेंट करें तो हमें ये समझ में आता है कि जब तक पूरे देश में लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं खुल जाता, तब तक ये एग्जाम करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सर, मैं तो इस तारीख पे तारीख से परेशान हो गया हूँ। तू क्यों परेशान हो रहा है भाई? तू तो हर बार एग्जाम से पहले ये कहता था कि सर एक महीना और मिल जाता तो इस बार मैं टॉप मार जाता। तो स्टूडेंट्स, इस पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम को एक प्रॉब्लम के नजरिए से मत देखिए, इसको इस नजरिए से देखिए कि भगवान ने इस बार आपकी सुन ली। टेलीफोन आय नमः, रॉन्ग नंबर आय नमः, दैवी प्रसाद आय नमः, और रिवीजन करने के लिए दिया है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। तो वो स्टूडेंट्स जो इस बार पहली बार इस प्रीलिम्स को देंगे या 2 या 3 बार इस प्रीलिम्स को दे चुके हैं बट अब तक प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए हैं, उनको मैं बताऊंगा कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। तो चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। सर, मैं तो हर साल बहुत मेहनत करता हूँ पर एग्जाम में कुछ समझ ही नहीं आता। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम है हर उस यूपीएससी एस्पिरेंट की जो कि तैयारी शुरू करने से पहले यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझता और अपने पूरे साल की तैयारी को बेस कर देता है किसी कोचिंग इंडस्ट्री के मटेरियल पे। अब अगर कोचिंग इंडस्ट्री के मटेरियल को समझें तो हमें ये समझ में आएगा कि हर कोचिंग इंडस्ट्री का मटेरियल बनता है पिछले साल के क्वेश्चन के बेसिस पे, ना कि वो ये प्रिडिक्ट करता है कि अगले साल क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जब हमारी पूरी तैयारी इस मटेरियल पर या उससे जुड़ी टेस्ट सीरीज पर बेस्ड होती है तो तैयारी करते हुए तो हमें ये फीलिंग आने लगती है कि हम यूपीएससी को पूरी तरीके से समझ चुके हैं। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान, क्योंकि अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो बड़े इजीली सॉल्व होने लगेंगे। पर जब इस फीलिंग को लेकर हम फाइनल प्रीलिम्स में जाते हैं तो वहां यूपीएससी ने पैटर्न को चेंज कर दिया होता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, और इस वजह से हमें यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन लगने लगता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट कैसे किया जाए, जिसका बड़ा सिंपल सा आंसर है स्मार्ट वर्क। इसमें हमको प्लानिंग ये करनी पड़ेगी कि हम यूपीएससी से एक कदम पीछे ना रहकर एक कदम आगे रहें, जिसके लिए हमारे पास सबसे सिंपल सोर्स है पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स। इन 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करने से आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी में क्या ट्रेंड चल रहा है, और इस ट्रेंड को समझते हुए आप ये जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन से फील्ड्स, कौन से सेक्शन से यूपीएससी आजकल ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है और कौन से फील्ड्स या कौन से सेक्शन से आजकल क्वेश्चंस मुश्किल होते चले जा रहे हैं। इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। सर, एक और क्वेश्चन। सर, मुझे तो एग्जाम में ये भी समझ में नहीं आता कि कितने क्वेश्चंस करूं। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को आती है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए 2 चीजें, पहला कॉन्फिडेंस और दूसरा टेस्ट सीरीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। आपको कभी भी पहले से यह सोच के नहीं जाना चाहिए कि मैं एग्जाम में इतने ही क्वेश्चंस करूंगा। ये डिसीजन तब लिया जाना चाहिए जब आप एग्जाम में एक राउंड ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हों और एक बार आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हों। तब तक आपकी समझ में ये जरूर आ जाना चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन पेपर टफ है या आसान। सर, मुझे तो सारे ही पेपर टफ लगते हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कॉन्फिडेंस की बात की
क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पेपर टफ लग रहा है तो आपको ये कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि वह क्वेश्चन पेपर सभी के लिए टफ है और आप उस क्वेश्चन पेपर में जबरदस्ती तुक्के ना मारें। पर हां, साथ में ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमने ये भी देखा है कि टफ क्वेश्चन पेपर होने के बाद भी यूपीएससी की कट ऑफ 100 से 105 के बीच में रहती है, जिसके लिए कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। सर, तो इसका मतलब जितने क्वेश्चन आते हैं उसके बाद सारे तुक्के मारूं? तुक्के नहीं, इंटेलिजेंट गेसेस। आपको यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि यूपीएससी भी प्रीलिम्स में सिर्फ आपकी फैक्चुअल नॉलेज नहीं बल्कि आपकी एनालिटिकल नॉलेज भी टेस्ट कर रहा होता है, जिसके लिए यूपीएससी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी इंक्लूड करता है जिनको देखकर तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं आते, पर अगर आप उनको पढ़ना शुरू करें तो उनमें से चार स्टेटमेंट्स में से एक या दो को आप बड़े इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से आप उस क्वेश्चन के आंसर तक जरूर पहुंच सकते हैं। और यही रोल आता है टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस का। सर, मैं तो एक बार सारी टेस्ट सीरीज पढ़ लेता हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। ऐसी गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं जिन्हें ये लगता है कि टेस्ट सीरीज सिर्फ इन्फॉर्मेशन बढ़ाने का एक जरिया है, पर टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि आपको सेल्फ असेसमेंट करने का मौका देता है, जिसको आप यूज कर सकते हो खुद को असेस करने के लिए कि आप एग्जाम की सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो, आपके इंटेलिजेंट गेसेस किस फील्ड में और कितने ज्यादा सही होते हैं, और इस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने एग्जाम को अप्रोच कर सकते हैं। सर 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 सर, वो भी क्वेश्चन बता दो ना, पिछली बार जो क्वेश्चन आया था डेनिस ओवन वाला। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये वाली गलती तो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए हमें 200 में से 200 मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने की, जो कि ऑन एन एवरेज बैठती है 110 से 115 के बीच में, जिसके लिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए 70 से 75। और अगर हम एनालिसिस करें पिछले सालों के यूपीएससी के पेपर की, तो हमें समझ में आएगा कि हर साल यूपीएससी के पेपर में 35 से 40 क्वेश्चंस इजी, 25 से 30 क्वेश्चंस मॉडरेट और 30 से 35 क्वेश्चंस हार्ड आते हैं। हम यहां पर गलती ये करते हैं कि अपना पूरा फोकस इन इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पे ना रखकर अपना पूरा फोकस रखते हैं इन 35 हार्ड क्वेश्चंस पे, जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहां पर टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं और कम टाइम दे पाते हैं इन इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस का रिवीजन करने। अच्छा, इसलिए मेरे पास कभी भी रिवीजन का टाइम ही नहीं बचता था। बाकी प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बचता है करंट अफेयर, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके सामने आऊंगा। तब तक अगर प्रीलिम्स को लेके आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि उनको भी प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्प मिल सके। यार, मेरी तो सब समझ में आ गया, तुम्हारी भी आ गया, तो सीधे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।